प्राप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधु, जिस रूप में कोई देखे उस रूप में ही तू आता है। अभी हमने बेंग गाया, प्रभु जी के अनेक को रूप हैं। कभी किसी रूप में संसार के अंदर आते हैं, कभी किसी रूप में द्वापर में कलयुग के रूप में आए, त्रेता में और रूप में आए, और अब कलयुग में किसी और रूप में आए। होते वो वही हैं, भिन्न नहीं होते, और आते भी उसी काम के लिए हैं, कोई दूसरे काम के लिए नहीं। वो समय समय के अनुसार कहाँ आते हैं, किधर आते हैं, कहाँ आना चाहिए, ये भी उन्हीं के ऊपर है। भारत में होते हैं लोग, बार बार आते हैं संसार के अंदर, तो ये कई बार ये संशय होता है कि भारत में क्यों आते हैं। तो भारत उपयुक्त स्थान है, ऐसी मान सकते हैं तो वहीं यही प्रकट हो सकती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अच्छे खेत में अच्छी उपज होगी, ऊसर में तो नहीं होगी। रेतले स्थान पर क्या अच्छा गंदम उगेगा। ऐसे ही भारत के अंदर जो ऋषियों की भूमि है, ईश्वर की शक्ति तो वहीं प्रकट होगी ना, सभ्य कैसे हो सकती है। तो इसीलिए भारत के अंदर समय समय पर भगवान आते रहे हैं, अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग शक्तियां लेकर। अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, भगवान कृष्ण उस युग में आए, और ये कलयुग है। अब कलयुग में प्रभु रामलाल जी महाराज आए हैं। अब इनमें थोड़ा भेद होता है, भेद उनका नहीं होता, भेद उनके कार्य में होता है, और उनके कार्य के लिए जो शक्तियां प्रकट करते हैं उसमें होता है। समय के अनुसार जो शक्तियां जैसी प्रकट करनी होती हैं वही होती हैं। कभी धनुषधारी बन के आते हैं, कभी सुदर्शन चक्रधारी कर आते हैं, और कभी योगधारी आते हैं। आप अभी योग को लेके आए हैं, तब सुदर्शन लेके आए थे, पहले धनुष लेके आए थे। और जैसे कर्म करने होते हैं शक्ति भी उतनी साथ लाते हैं। द्वापर युग जब भगवान कृष्ण आए, तो वो समय था जो सतयुग से त्रेता से बिल्कुल भिन्न था। उसमें पाप बहुत थे, और वो बहुत शक्तियां लेके आए। उनसे पूरे जितने अवतार हुए हैं वो इतना उन्होंने शक्तियों का प्रकाश प्रकट नहीं किया, वहाँ आवश्यकता नहीं थी। और जब भगवान कृष्ण आए तो वो कलयुग का आरंभ था, जबकि संसार के अंदर अंधकार के बादल छाने वाले थे। तो उस वक्त संसार का वो जो समय था, आप महाभारत में पढ़ते कितने पाप थे, द्रौपदी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो वो उतनी शक्ति लेके आए, और ऋषि ने कहा बस ये पूर्ण अवतार हुए। 16 कला, चांद की 16 कले होते हैं, रुपए के 16 आने होते हैं, 100 फीसदी गलती लेके आए, क्योंकि इससे पूर्व किसी ने इतनी शक्ति नहीं लाई। कौरवों की सेना को के ऊपर उन्होंने जो अपने शक्ति दिखलाई, जो और उन्होंने अपने सारे कर्ण आदि के ऊपर अपनी शक्ति दिखलाई, जो लोगों के ऊपर कृपा की, वो सारी उनको देखकर ये माना गया कि वो बहुत भारी शक्ति लेके आए हैं। तो वो तो उस युग का अंत था, अब कलयुग का आरंभ है। और कलयुग के आरंभ के अंदर कितनी शक्ति चाहिए, कलयुग अवतार तो होते पूरे युग के लिए होते हैं। तो कलयुग पूरे कलयुग के अंदर ये शक्ति प्रकट होनी है, और हो रही है, होती जाएगी। और प्रभु जी के लिए स्वामी जी महाराज ने या काकुशी ने कहा, इन ये शक्तियां गिनती में नहीं आएंगी, अनंत
अनंत शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसलिए प्रभु जी के अंदर अनंत शक्तियां हैं। आते किस लिए हैं? आते हैं एक ही शब्द में, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए आते हैं ताकि धर्म संसार के अंदर से लुप्त ना हो जाए। धर्म क्या होता है? धर्म होता है जो संसार धारण करता है, जो हमारे शरीर, हमारे इस मनुष्य को मनुष्यत्व दे रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक होना है, वो धर्म है। संसार बना है जिससे संसार चलता रहे, संसार कायम रहे, वो धर्म है, उसको धर्म कहते हैं। मनुष्य जैसे हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष। अब हमारे लिए वही धर्म होगा जिससे हमें मुक्ति मिले। अगर हम इधर उधर विचलित हो, कोई धर्म नहीं है ना, हम अपने लक्ष्य से गिर जाएंगे। मनुष्य के लिए मोक्ष है, तो मनुष्य का धर्म क्या फिर होगा? अब हम जिस धर्म का पालन अगर कोई करें और वो मोक्ष तक न पहुंचाए, तो वो हम धर्म से गिर रहे हैं। जिस काम के लिए हमने कोई काम करना है, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो अगर हम किसी ने कोई परीक्षा पास करनी है, तो परीक्षा की किताबें ना पढ़ के और किताबें पढ़ने लग जाए, तो क्या वो अपने कर्तव्य पर चल रहा है? कहना पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ तो रहा है लेकिन पास तो नहीं होगा ना। इसी तरह धर्म वो है जिसको करते हुए मनुष्य को मोक्ष मिले, जिस धर्म पर चलते हुए संसार चले। और देखिए कहते हैं सत्य धर्म है, तो सत्य धर्म है ही। संसार में अगर झूठ का राज हो जाए तो संसार ही खत्म हो जाए। सत्य के ऊपर ही संसार टिका हुआ है, झूठ के ऊपर नहीं टिका हुआ। और जब झूठ के अंदर कुछ हिस्सा टिक जाता है, कुछ हिस्सा झूठ में बन जाता है, तो संसार हिल जाता है। अब झूठ का बोलबाला है, हम हिले हुए नहीं है, हम अशांत हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि धर्म जो है खत्म हो रहा है। अगर सत्य सत्य तो दुख में हम कितनी शांति होगी, हम कितने सुखी होंगे। तो धर्म वही है जिससे कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती रहे, हो जाए। इसलिए धर्म के जो कौन से धर्म के साथी कौन से हैं, धर्म के पहलू कौन से हैं, गीता में इसको बड़ा अच्छा तरह स्पष्ट किया हुआ है। गीता के अंदर जब भगवान कृष्ण आए, तो उन्होंने देखा कि कई लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं जंगल में जाकर, कोई नगन रहते हैं, बिल्कुल नगन रहते थे कई बार। और आप स्पष्ट है जैन गुरु नगर आज भी फिरते हैं, भगवान कृष्ण के टाइम पर ही थे ना, या कई अग्नि में तो पकड़ते थे, कई बड़े बड़े व्रत रखते थे। व्रत रखने का हमें एक उदाहरण मिलता है, गौतम जो था राजकुमार, वो जंगल में चला गया, बहुत व्रत रखे, बेचारा कमजोर हो गया, देखा देखी। ये बड़े बड़े तप करते थे या बहुत बड़े बड़े कर्म कांड करते थे, दो दो महीने का यज्ञ करते रहना, आग में आहुतियां डालते रहना, या पाठ ही करते रहना, चारों वेदों का पाठ करना, ये इस समय कुछ मिल जाएगा। तो भगवान की शिकायत पर क्या तुम्हें ये व्रत रखने से मुक्ति मिल जाएगी, नंगे फिरने से मुक्ति मिल जाएगी, किस लिए कर रहे हो? या तुम्हें पढ़ते रहने से मुक्त हो जाओगे, या तुम्हें बस हवन करते करते मुक्त हो जाओगे, और वो भी जो बहुत लंबे लंबे। ये तो कौन कहता है ये तुम्हारा धर्म है? तो उन्होंने कहा नहीं, धर्म ये है जिससे तुम्हें मुक्ति मिले, मनुष्य का जीवन सार्थक हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें नहीं है। स्पष्ट सब खंडन किया, उनका नहीं, योग है ये मुक्ति का मार्ग है, ये जो तुम कर रहे हो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। वो जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा, वो उस समय की सोसाइटी का बिल्कुल पूरा दिग्दर्शन है।
उन्होंने कहा तपस्वी द्रौपदी को योगी, तपस्वियों से योगी बड़ा होता है, ज्ञानी द्रौपदी मत अधिका, कर्मी द्रौपदी को योगी, तस्मात योगी भगा जी। अर्जुन ये तपस्या कर रहे हैं इनसे योगी बड़ा होता है, जो वेद पाठी पूठी है इनसे योगी बड़ा होता है, जो बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं इनसे योगी बड़ा होता है, क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिलना, योग से मिलना है। तुम्हारा योग क्या होता है? उन्होंने कहा योग देखना क्या होता है, तो तीन चीजें होती हैं योग में। एक होता है कि हमारे कर्म योग हमारी मुक्ति देने वाले हों, एक हमारी भक्ति जो है वो मुक्ति देने वाली हो, और एक हमारा ज्ञान जो है मुक्ति देने वाला। इन तीन चीजों को जब इस प्रकार करें कि तीनों मिलकर मोक्ष की तरफ ले जाने वाली हो, तो उसको वो योग के पक्ष है, उसको योग कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में और प्रभु जी ने भी अपने रामायण के अंदर या अपने उपदेशों में इन्हीं तीन के ऊपर बल दिया है कि कर्म क्या करो, ऐसा कर्म करो जिसे मुक्ति मिले, ऐसी भक्ति करो जिसे मुक्ति मिले, और ऐसा ज्ञान उपार्जन करो जिसे मुक्ति मिले। ये नहीं कि पढ़ते रहने में, हम तो बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ पढ़ कर थोड़ी मुक्ति मिलेगी, या हवन कर करके थोड़ी मुक्ति मिलेगी, या तुम्हें और कर्म कांड करते हुए या तपस्या करते हुए या पाठ करते हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो इन तीनों से मिलेगी, वो तीनों क्या हो ये बताएगी तुम्हें। कर्म के बतलाया कि अपना जो भी कर्म है अपना स्वाभाविक कर्म करो। कर्म तो हर एक कोई ना करना होता है। आप कोई घर का काम करता है, कोई दफ्तर का करता है, कोई बाजार का करता है, कोई लड़ाई का करता है, कर्म तो करना जारी ही अपना करना है। लेकिन कर्म करते हुए तुम देखना है कि तुम किस प्रकार का कर्म करते हो और कैसा कर्म करते हो, किस प्रकार का और कैसे, दो बातें तुम्हें किस प्रकार के अंदर में कहा। तीन पर कर्म तीन प्रकार को बांटा जाता है, कर्म विकर्म, कर्म और अकर्म, विकर्म कर्म और अकर्म। जो पाप कर्म है ना वो विकर्म होते हैं। अब यदि हम कर्म कर रहे हैं तो कर रहे हो पाप, मैं तो कर्म ही कर रहा हूं, किसी को मैं पीट रहा हूं, कर्म है नहीं, वो विकर्म है, वो कर्म नहीं करने, ऐसे कर्म नहीं, तो वो तो छोड़ने हैं, उसे तो मुक्ति क्या, उसे तो नरक ही मिलेगा। और एक होता है कर्म मनुष्य अपने कर्तव्य कर रहा है, पाप नहीं है, ठीक है, तो कर्म करते करते क्या होगा कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे मन के अंदर कुछ संस्कार पड़ रहे हैं, हमारे अंदर इच्छा है कि ये ठीक हो या इसकी पूर्ति हो या इसे फल हो, वो कर्म होते हैं। उन्हें कहते हैं कि इच्छा के मुताबिक कर्म करने। फल की इच्छा से वो कर्म होते हैं और सब करते हैं, लेकिन वो जन्म दे सकते हैं दोबारा, क्योंकि जैसे इच्छा होंगे जन्म मिलेगा, पर मुक्ति तो नहीं मिलेगी, इंसान का जीवन तो सफल नहीं होगा, तो फिर क्या करना है। वो कहते हैं अकर्म करो। अकर्म का मतलब ये नहीं कर्म ना करना, अकर्म का मतलब वो कर्म जिसका फल ही ना मिले, निष्काम कर्म, विकर्म छोड़कर बस काम कर्म को छोड़कर निष्काम करो। तो निष्काम क्या, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, और तुम अपना कर्म करते चले जाओ, मन के अंदर इच्छा न रखो, अपना मेरा धर्म है, मैंने ये करना है। अब जितना जो कोई कर्म कर रहा है, कोई चाहे घर का काम कर रहा है, चाहे बाजार का कर रहा है, कहीं का कर रहा है, चाहे लड़ाई कर रहा है भगवान ने कहा, तो देखो अर्जुन तो लड़ाई कर रहे हो ना, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए तुम विजय प्राप्त करो या तुम्हें हारो। जित्वा भोक्षे राज्यम हत्वा वा प्राप्स्य स्वर्गम, मर कर स्वर्ग को जाओगे और जीत कर तो
राधे को प्राप्त करोगे, लेकिन छोड़ो मेरे ऊपर। तुम क्या कि लड़, ये समझो मैं लड़ रहा हूँ, तुम नहीं लड़ रहे। निमित्त मात्रम भविष्य साधन, तुम मेरे निमित्त बन जाओ। किसी के हाथ में कोई डंडा है, सिपाही के हाथ में डंडा है, वो उस डंडे का प्रयोग करता है, मारता है तो डंडा है, जब सिपाही मारता कौन मारता है? डंडा तो मारता, सिपाही मारता। तुम मेरे हाथ में डंडा हो, तुम धनुष तुम्हारे हाथ में, चला मैं रहा हूं। यह निमित्त होना, तो निमित्त मात्र बाप सुबिसाचिन, तुम ये समझते हो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें होगा, तुम कुछ नहीं कर रहे। जो पाप लगेगा पुण्य लगेगा मुझे लगेगा, तुम तो डंडे हो, डंडे के थोड़ा कैद होगा। कोई किसी की तलवार से मार दे, तलवार थोड़ी सजा हो गई, तलवार तो चलाने वाला भोगेगा। तो तुम निमित्त बन जाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ये होता है निष्काम कर्म करना। तो प्रभु आपसे मेरे से कुछ काम करवा रहे हैं, ये मैं कर रहा हूं और मुझे इसका पता नहीं है, आप जाने फल आपको। तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं। तो ये गीता में कहा ना कि फलम त्यक्त्वा, फल को छोड़कर कर्म करो। तो इस प्रकार के ये है मुक्ति का राह, ये है असली चीज जो मुक्ति देती है, इसको कर्म कहते हैं। वो कर्म कांड जो हवन आदि है वो कर्म कांड नहीं है, ये है कर्म। तो इस तरह के हमें कर्म करने हैं। अब गीता में तो साफ कह दिया ना, मुक्ति मनुष्य के ये धर्म है, इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं ना। धर्म की स्थापना के लिए आए तो धर्म का उपदेश भी कर देना कि ऐसे कर्म करो, तुम चाहे लड़ो चाहे कुछ करो, जो तुम्हारा धर्म है वो करो, लड़ाई तुम्हारा धर्म है लड़ते ही चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम इस ढंग से लड़ो तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। अब दूसरी चीज आती है कर्म के अतिरिक्त, भक्ति। तो भक्ति किस किस्म की हो? हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वो करते हैं, भक्ति करते हैं, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए मंदिर में, भगवान को इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति होती है योग की भक्ति, एक निष्ठ होना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, ये भक्ति मुक्ति देगी, दूसरी कोई भक्ति मुक्ति नहीं देगी। तुमको हम 10 तीर्थ कर रहे, कई कहते हैं मैंने जीवन में नियम बनाया कि सारे तीर्थ करने हैं, 68 तीर्थ करने। तो भगवान जी कहते 68 तीर्थ गुरु चरण, गुरु के चरणों की भक्ति कर लो सारे तीर्थ आ गए। तो भगवान ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, सब धर्मों की छोड़ मेरी शरण आ जाओ, बस यही भक्ति। इस भक्ति से तो मुक्ति मिलेगी, दूसरी किसी भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो भी ऐसे कि मैं ये मान से मई बुद्धि निवेश, मेरे ही मान लगा दो, मेरे में बुद्धि अर्पित कर दो। ये नहीं कि बुद्धि और कहीं भटकती रहे, संशय में पड़ी रहे, और मन दूसरे स्वरूपों में भटकता रहे, और हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का कुछ पूजा कर रहे हो तो संशय बुद्धि की और घूम रही है, और बाहर से मंत्रों द्वारा पूजा कर रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं बनेगा। तो मन और बुद्धि एकाग्र करके जब हम एक इष्ट की भगवान की पूजा करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, वो मुक्ति ले जाएगी। तो कर्म ठीक हो, भक्ति ठीक हो, तो जीवन सफल होगा। अगर कर्म सकाम है तो मुक्ति नहीं होगी, या विकर्म है, उल्टे कर्म है, तो भी नरक मिलेगा। और भक्ति हमारी क्या है, कभी एक देवता की, कभी दूसरे देवता की, कभी तीसरे देवता की। वो हमारे मित्र थे, अब भी शायद नहीं है वो, उन्होंने दीक्षा तो चंद्रमा जी महाराज से ली हुई थी, लेकिन कुछ उन्हें शिक्षा नहीं मिली थी कुछ ठीक शिमला में। मैंने कहा तुम्हें पकड़ते वहाँ पूजा करता हूँ, लेकिन एक बात है कि मैं जब आरती करता हूँ तो फिर एक को धूप देता हूँ, दूसरे देवता को ना दूँ तो मुझे होता कि ये नाराज हो जाएगा। तीसरे दिन मैंने मंदिर में सारे देवता रखे हुए प्रभु जी के साथ साथ, मैंने कहा फिर तो तुम्हारा मन तो खड़ा ही नहीं होगा कि तुम देवताओं के खुश करने के लिए भक्ति करते हो, अपने अपने कल्याण के लिए करते। तो ये नहीं कि ऐसा करो, तो यही हालत है सबकी, ये नहीं कि उसकी हालत है, हमारे सबकी यही हालत है।
सत्संग में चले जाओ, कभी तो भेंटे बोल लेंगे, कभी किसी के भजन गाएंगे, कभी किसी के, कभी किसी के, किसी के, है? तो भाई किसको तो प्रसन्न किसको कर रहे, किसी को प्रसन्न कर रहे, मन में तो किसी का भी स्वरूप नहीं है, तुम तो दुनिया को खुश करने के लिए भजन गा रहे हो या समय गुजारने के लिए, तो ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर वास्तव में तुम्हें ध्यान करना है, पूजा करनी है, मन में या कहीं, तो एकांत में बैठो, अकेले बैठो, रिक्त देश है, एक खाली है, बैठ कर भगवान की भक्ति करो, भगवान को याद करो, तो उससे कुछ मिलेगा, मन एकाग्र होगा, जब मन एकाग्र होगा समाधि लगेगी, तो समाधि का फल मुक्ति है, तो इस तरह की भक्ति दी जाएगी। तो भगवान के साथ कह दिया, ये देखो गीता का उपदेश दिया है तो भगवान आया, तो भगवान ने धर्म क्या होता है ये साथ बतला दिया, ये नहीं कोई कहे कि धर्म की रक्षा के लिए आया, तो इसे एक धर्म विशेष धर्म के रक्षा करने आया, आप हिंदू समझते होंगे भगवान आएंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा कर लेंगे, मुसलमानों को मार देंगे, वो नहीं होता। वो हमें शिक्षा देने आया प्रभु जी कि तुम मनुष्य जीवन को किस तरह सफल कर सकते हो, तुम्हें दुनिया में क्या करना है, तो ये भक्ति इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया कर्म और भक्ति का। अब ज्ञान, तीसरी चीज ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान ना हो दो चीजें में ज्ञान ना हो तो फिर हमें भटकना बनी रहेगी। तो ज्ञान हम भी कई बार बताया ज्ञान क्या होता है, ज्ञान तो ईश्वर का ही है और ईश्वर के मतलब है कि ईश्वर है कहाँ, तो भगवान साहब कहते हैं मैं सब हूँ, मम एवांश हो जीव लोके जीव भूता सनातना, अगर ईश्वर को देखना हो तो सब में देखो कौन, जब सब में मैं हूं और सब वो तुम्हें दिखलाई दे रहे हैं, और जो वास्तव में कम मुझे ढूंढना चाहते हो मैं तो दिखाई दे रहा हूं, तो इसलिए सब में भगवान को देखो। तो जब सब में भगवान को देखोगे, भगवान का अंश सब में देखोगे, तो यही ज्ञान है, इस ज्ञान को परिपक्व करो। ये ज्ञान परिपक्व नहीं होता, अगर ये ज्ञान परिपक्व हो जाए तो फिर तो हमारा ना कोई दोस्त ना कोई बैरी, सब समान है, क्योंकि हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसके अंदर भगवान को देखेंगे। किसी के कोई गलत बिगाड़ना, किसी को दुख देना, तो हम उस वक्त समझेंगे तो भगवान को दुख दे रहे हैं, ये उसको नहीं दुख दे रहे, तो हमें जो हमारे दोष है ना राग द्वेष आदि वो हमसे छूट जाएंगे, ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, और रहेगा क्या, ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। तो इसलिए हमें ज्ञान का जहाँ पक्ष है तो उस वक्त हमें हमेशा ये धारणा रखनी चाहिए कि हमें ऐसी दृष्टि बनानी है जो कि एक ज्ञानी की होनी चाहिए, हर एक वक्त हमें ये देखे कोई आया है तो हम ये देखे कौन आया है, ये देखे भगवान का एक अंश आया है हमारे पास, हमने उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है जैसा अपने साथ करते हैं, मेरे में और उसके अंदर शरीर भिन्न है लेकिन आप वो ईश्वर तो भिन्न नहीं ना, ईश्वर सब में है, तो सारे एक ज्ञान कहते तो है, इसको प्रैक्टिकल रूप में इसको व्यवहार में लाने का नाम ज्ञान है, ज्ञान भैया व्यवहार में है। तो ज्ञान भक्ति और कर्म, अब कर्म जब हम करते हैं तो फिर कर्म के ऊपर आते हैं, कर्म का उपदेश भी उन्होंने दिया कि कर्म विकर्म तो कह दिया विकर्म ना करो, तो विकर्म होते क्या है, योग साहब कहते हैं विकर्म और कर्म की कसौटी क्या है, वो है यम और नियम। यम क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अब देखो ये इनके इस कसौटी पर जो पूरा उतरे वो कर्म है, उनको करें, विकर्म छोड़ दें, अहिंसा किसी को दुख देना ना दें, दुख दें तो वो विकर्म हो जाएगा, झूठ बोले तो विकर्म हो जाएगा, किसी को बुरी दृष्टि से देखें विकर्म होगा, किसी की चोरी करे तो वो विकर्म हो जाएगा, और इस प्रकार के पांचों नियमों को या पांचों यमों को जब उल्लंघन करते हैं तो वो विकर्म है, और उनके अनुसार जो करते हैं वो कर्म है। तो हम सत्य का तो व्यवहार करें, सच्चा सौदा करें, लेकिन सच्चा सौदा करके भी ये अगर इच्छा रखें कि इसके में यश मिलेगा या इससे में कुछ और लाभ मिलेगा,
उसी को प्रत्याग जब कर देते हैं कि हम अपने धर्म कर रहे हैं लेकिन फल भगवान के ऊपर, वो अकर्म हो गया कि हमें फिर भगवान की इच्छा से हम ये कर्म कर रहे हैं, हम तो अपने धर्म कर रहे हैं और बुरा कर्म नहीं कर रहे, अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो कर्म के लिए भी योग के अंदर ढूंढना नहीं पड़ता कि कर्म क्या है या अच्छे कर्म क्या है, वो तो यम नियम एक मोटा लफ्ज आ गया, यम और नियम की कसौटी पर अपने कर्म वो करते चले जाए और ये ना देखें कि हमने क्या करना है। साफ एक जैसे किसी के सामने किताब लिखी हुई होती है, पढ़ लेता है, इधर उधर झांकना नहीं पड़ता। भाई योग के अंदर शास्त्री स्पष्ट है और गीता के अंदर भगवान ने साफ स्पष्ट कर दिया कि हम आते हैं, जब भी आते हैं, चाहे प्रभु के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, चाहे राम के रूप में आए, वही ईश्वर आता है और वो उसमें वो भी उनका श्री होता है, उनमें भी भगवान होते हैं। परंतु योग दर्शन का वो जो आते हैं वो पुरुष विशेष है ईश्वर, वो विशेष पुरुष होते हैं, हम सब हैं, वो विशेष शक्ति वाले लेकर आते हैं। हम में जो आते हैं हमें और उनमें सिर्फ जितना भेद है वो विशेष है, हम साधारण हैं। तो वो भगवान है, वो अवतार है, हम मनुष्य हैं, अवतार और मनुष्य में इतने भेद होता है, वो विशेष शक्तियां लेके आते हैं। तो अब प्रभु जी जिस शक्ति को लेके आए हैं वो उससे हम सबको महसूस हो रहा है, हम सब लाभान्वित हो रहे हैं, सबको लाभ हो रहा है, हम उनको महसूस करें, उनकी भक्ति करें, उनके उपदेशों के अनुसार कर्म करें और उन्हीं के बतलाए हुआ जो आत्मज्ञान है उस ज्ञान को हम ध्यान रखें। तो हम धर्म पर चल रहे हैं और प्रभु जी के प्रिय होंगे, जो धर्म पर चलता है प्रभु जी का प्रिय तो वही होगा, क्योंकि उन्हीं की रक्षा करते हैं ना वो। जो हम गलत रास्ते पर चलेंगे और फिर कहेंगे प्रभु जी हमारी रक्षा करो, तो हम कैसे कह सकते हैं प्रभु जी की, हम गलतियां करते हैं फिर भी कहते हैं प्रभु जी बचाओ, तो वो तो फिर इस तरह तो लिहाज नहीं करेंगे ना, पर न्याय वो तो न्यायकारी है, वो तो हम कर्म कर देते हैं और फिर हम कहते हैं इसका हमें फल भी ना मिले, वो तो ईश्वर के न्याय के अंदर नहीं है, वो तो मिलना ही है। इसलिए जब हम कोई हमें दुख आता है जो सुख आता है तो उसके पीछे हमारे कर्म ही होते हैं। विद्व इसलिए गाया कि कोई दुख आए ना तो ये सोचो कि ये हमने कर्म किया होगा, कि कहते हैं कि देखो हमने कोई कर्म नहीं किया फिर भी देखो भगवान में दुख दे रहा है, तो इसे क्या मतलब भगवान के ऊपर हमने इल्जाम लगा दिया। वो वेद कहता है कृतम समारा, अपने किए हुए को याद करो कि मैं ये इस वक्त मुझे दुख आ रहा है ये मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा। वो दुख देने वाला निमित्त चाहे कुछ भी बन जाए, कोई चोट लग जाए, गिर जाए या किसी एक्सीडेंट में हो जाए, कुछ हो जाए, पर वो तो एक निमित्त होता है ना, जो कारण बन गया, कारण तो निमित्त है, उसका जो वास्तविक कारण है वो तुम्हारे कर्म है। इसलिए कृतम स्मारे, अपने किए हुए को याद करो। अब जो किए हुए को याद करेंगे तो आगे भी देखेंगे, अब जो करते हैं वो ठीक करें, ये भी फिर याद ना करना पड़े पीछे का सिलसिला। तो हम इसलिए योग के अंदर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कर्म भक्ति और ज्ञान को शुद्ध रखने का यत्न करें तो फिर हमारा रास्ता साफ है और भगवान के उपदेशों पर चल रहे हैं। अगर हम तीनों में से एक का भी हमें कमी आ जाएगी तो हमें बुद्धि भटकती रहेगी, या मन में शांति नहीं रहेगी, या कर्म बुरे करेंगे तो दुख आते रहेंगे, क्योंकि दुख जितने आते हैं कर्मों के अनुसार आते हैं। मन के विचारों से शांति आती है, बुद्धि के अनुसार से भटकना आती है, लेकिन कर्मों के अनुसार तो दुख ही दुख आते हैं। मेरा मन कितना खराब हो, मैं किसी की चोरी ना करूँ तो मुझे थोड़ा भी कोई कहेगा आकर, लगे चोरी करूँगा तभी मुझे कोई कहेगा ना। तो कर्म जो है, इसलिए कहा कि जो कर्म का फल मिलता है, तो कर्म का फल यह है कि बाहरी कर्म, और मानसिक और बौद्धिक कर्मों का फल तो अंदर ही मिलता है, जिसको कोई देख नहीं सकता, फल तो उनका होता ही है। जो मन में दूसरों की बुराई सोचता रहता है उसको नींद भी नहीं आती, वो तो मानसिक
कर्म के मानसिक दुख सुख है, लेकिन बाहर के कर्मों के तो शरीर दुख सुख है। तो इसलिए हमें तीनों के बाद ध्यान रखना है, ये बात है जो अवतारों के प्रसंग में हमने कही, क्योंकि अभी ये प्रसंग ऐसा था जन्माष्टमी था, तो देखो भगवान कृष्ण अवतार लेके आए, यहाँ क्यों आए, इसलिए क्या ये देश इन्हीं का है, देश इसमें और जगह अवतार ले नहीं सकते, जहाँ सब किसके घर में अवतार लेंगे, जो पापियों घर था भगवान आएंगे, धर्मात्मा ही घर आएंगे, धर्मात्मा तो यही हमारे ऋषि लोग हैं, यही कर लेंगे। आप देखिए किसी कोई बच्चा है अच्छे पिता के घर लेगा तो वो भी अच्छा होता है, और अच्छी आत्मा बुरे घरों में पैदा ही नहीं होती, तो अच्छी आत्मा है तो अच्छी रूह तो अच्छे घर में पैदा होती है। गीता में यही उपदेश कहना कि अर्जुन तो कहते हैं ना कि मैं योग कर रहा हूँ, तो मैं आगे मर गया तो फिर आगे मुझे तो योग खत्म हो गया। वो कहते हैं योगी जो होते हैं योगियों घर में जाकर जम लेते हैं, अब योगी जो होते हैं चोरों घर में थोड़ा जम लेंगे, और भगवान जो है वो फिर क्यों बुरे घर में जम लेंगे, अच्छे घर में जम लेंगे। इसलिए ये भी कि बार बार अवतार हिंदुस्तान में क्यों आते हैं, वो इसीलिए कि हिंदुस्तान उनके लिए उपयुक्त क्षेत्र है, दूसरा कोई मुल्क ऐसा उपयुक्त क्षेत्र नहीं है वहां तो। लेकिन अगर हिंदुस्तान भी ये फिर बुराइयों में ना फंसे, तो इसलिए भगवान प्रभु जी देखो हमें शिक्षा दे रहे हैं, भाई अच्छे कर्म करो, योग करो, ताकि ये जैसा हमारे पूर्वज करते थे वैसा बन रहे, अब पूर्वजों के कर्म कर्म को भूल कर नए नए हम ढंग करने लगे हैं, हैं? जैसे अब देखो हम जो हमारे घर में शादियां होती हैं, पुराने जमाने की शादी में शराब पी जाती थी, पूर्वजों का हम सब नाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तो फिर हम आगे कहें फिर भगवान वाली रक्षा करनी है तो कैसे आएंगे। जो हमारे पूर्वज करते थे, जो अच्छी मर्यादाएं हैं उनका प्रत्याग न करें, और जो नई कुछ अच्छी चीजें हैं उनको अपनाएं। अगर वो पूर्वज पूर्व की बातों को हम इस युग में नहीं लागू कर सकते तो वो तो बदलती रहती है, क्यों कि हमारे शास्त्रों के धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र ये होते हैं धर्म का उपदेश करते हैं, ये करना ये नहीं करना। अब धर्म के शास्त्र बहुत बने, मनुस्मृति बनी, फिर यज्ञ अलग बनी, फिर हरित स्मृति बनी, समय के संसार अनुसार स्मृतियां बदलती रहती हैं। मनु ने जो धर्म के धर्म तो वही है, ये यम और नियम जो है ये तो गीता योग दर्शन में कहा, ये जो यम और नियम है ये तो शाश्वत चीजें हैं, लेकिन बाकी बाहर के जो नियम होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, वो बदलते रहते हैं, लोग की पोशाक बदलती रहती है, भाषा बदलती रहती है, खान पीन का ढंग बदलता रहता है, व्यवहार बदलता रहता है, वो तो समय समय बदलते रहेंगे। उसमें जो पुराने हैं जो इस वक्त उपयोगी नहीं है वो तो छोड़ें, बड़े अच्छी चीज ना छोड़ें, और जो नई चीजें अच्छी हैं वो ग्रहण करें, पर नई चीजें बुरी ना ग्रहण करें। नई चीजें बुरी ग्रहण करने से फिर हमारे अंदर टेंडेंसी रहती है कि हम नई चीजें बुरी ग्रहण कर लेते हैं, पुरानी चीजें अच्छी भी छोड़ देते हैं, तो उससे अब वो जो हमारा ऋषियों का देश है वो ऋषियों का देश नहीं रहेगा, कि और इसका स्वरूप ही बदल जाएगा। तो इसलिए प्रभु जी आए हैं, प्रभु जी यही क्या जब आए उनका यही था कि तुम ऋषियों की संतान हो, उनको मत भूलो, उनके अनुसार अपने सारे कर्म करो। बोल श्री सच्चिदानंद महा।